अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन से बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ sin x + a / sin x - a। तो अब इस क्वेश्चन के लिए आप देखिए तो जो एंगल है x + a / x - a, तो आप किसी एक को रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज़ हमें एंगल के लिए बात की है, दोनों में एंगल में डिफरेंस है। तो मैं पुट कर रहा हूं लेट sin x plus a by sin x minus a is that value of dx, then let x minus a is that value of t, then x value of a plus t, then dx is equal to dt। अब मैंने दोनों का डेरिवेटिव किया, dt by dx कर दूँ, dx को यहाँ रिप्लेस कर दूँ, बात ही की है। तो dx जो अब मेरे पास dx का वैल्यू है वो डायरेक्ट dt में कन्वर्ट हो रहा है। अब अपन में जो एंगल था x - a मैंने उसको t से रिप्लेस कर दिया। अब sin x + a, तो x का वैल्यू जो मेरे पास आ रहा है a plus t, और ऑलरेडी a है मेरे पास, तो इस टाइप से, तो यानी आपके पास क्वेश्चन इस टाइप से बनने वाला है sin t plus 2a dt by sin t। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री एक्सपेंशन करना है sin a plus b का, तो उसी फॉर्मूले की मैं हेल्प ले रहा हूं, sin a cos b plus cos a sin b by sin t, दोनों में मुझे डिवाइड करना sin t का। तो मेरे पास जो क्वेश्चन बनने वाला है sin t cos 2a divided by sin t dt plus cos t sin 2a by sin t dt। अब यहां इस क्वेश्चन में देखिए, तो हमने हमारे पास यहां cos 2a, तो ये आपके कांस्टेंट की तरह बिहेव करने वाला है, और नेक्स्ट में ये जो sin 2a ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करने वाला है। यहां sin से sin कैंसिल हो चुके हैं, जो मेरे पास इंटीग्रेशन बन चुका है वो एक बिल्कुल सिंपल सा इंटीग्रेशन बन चुका है cos 2a is that 1 dt and plus, अब जो next है इसमें sin 2a आपका constant है, तो cos t by sin t is that the value of cot t, तो हम इसको as it is पहले रख रहे हैं, sin 2a मेरा constant है बन रहा है, cos t by sin t dt। तो अब यहां आप सब्स्टिट्यूशन की भी हेल्प ले सकते हैं, लाइक अगर आपने सपोज करो sin t को आपने t sin t को आपने y पुट कर रहे हो, तो आप इसका डेरिवेटिव करिए cos t dt इज दैट वैल्यू ऑफ dy, तो ये वैल्यू आपका dy से रिप्लेस हो रहा है, तो 1 यहां cos 2a तो एज इट इज, और 1 dt का हमें जानते हैं t आने वाला है, प्लस sin 2a as it is हमारा constant, but यहाँ जब टर्म है cos t dt ये मेरा substitute हो गया dy में convert हो गया, और upon वाली y टर्म को हमने y assume किया था। तो अब यहाँ देखिए एक question में दो बार मुझे substitution की हायर लेनी पड़ रही है, तो इस टाइप के question भी अब आने वाले हैं, क्योंकि question में जैसे जैसे हम थोड़ा read करने वाले हैं तो हमारे पास थोड़ा typical question होने वाले हैं, बट ये स्टार्ट होने के बाद बहुत ईजी रहेगा आपके लिए, आपने कंसेप्ट को क्लियर करना है कि आपके पास क्वेश्चन था sin x + a sin x - a, तो अब यहां x + a को भी आप t पुट कर रहे हैं, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, तो हमारे बेटे अब ये नीचे बन ऊपर बन नहीं वो नीचे बन जाएगी। तो मैंने अब आपको मैंने जैसे कहा था कि आप जब से आपको पुट करने की जरूरत हो तो आप पहले ही प्रायोरिटी अपॉन वाले टर्म को देंगे, तो मैंने अपॉन वाले टर्म को प्रायोरिटी देते हुए x - a को t पुट किया, तो x की वैल्यू a + t आ गया, डेरिवेटिव किया इसका dx = dt आ गया, तो मैंने x की वैल्यू यहां रिप्लेस की a + t, और a ऑलरेडी था, तो a और a 2a बन चुका t sin a cos b cos a sin b की हेल्प से मैंने फार्मूला स्टार्ट किया। अब मैंने देखा sin t का दोनों ही वैल्यू में मैंने डिवाइड किया, तो a फर्स्ट पर में कैंसिल हो रहा है, सेकंड में ये एज इट इज रह रहा है, तो एज ये देखा तो cos वैल्यू है cos 2a sin 2a ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करने वाले हैं, क्योंकि इसमें ना तो x और ना ही t है, x होता तो मैं फंक्शन को चेंज करना पड़ता और t होता तो ये इंटीग्रेट होता, तो हमने दोनों के लिए ऐसा कुछ नहीं है, तो मैंने इसको आउटसाइड में रखा और 1 का t होता है, और यहां मैंने देखा cos t / sin t तो ये cot t है, तो cot t का आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन जानते हैं, तो log sin होता है, जैसा कि अब होने वाला है,
कि 1 by y का जो इंटीग्रेशन होने वाला है वो आपको पता है log y होगा, और y की वैल्यू आप जानते हैं sin t आपको करेंगे तो प्लस c आपके पास होने वाला है। तो इंटीग्रेशन हो चुका है मेरे पास cos 2a dot t। तो अब ये जो आंसर आया मेरे पास वो अभी तक t में है, तो अभी ये जो आंसर है t में, अब यहां तक अभी तक मेरे पास वैल्यू t में है, तो अब आपको t की वैल्यू पुट करनी है, तो s माइनस a यहां रिप्लेस करके वैल्यू पुट करेंगे तो अभी आपका फाइनल आंसर बनने वाला है, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन तो कर दिया। सब्स्टिट्यूट को हम जैसे जैसे 1 बाय 1 वापस से अप्लाई, तो हमें आंसर x में ही चाहिए, तो आप x में ही इसका आंसर देंगे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, बहुत इजी होने वाले हैं। मैं नेक्स्ट के लिए बात करने वाला हूं। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन बुक में और भी है जिसमें समथिंग ऐसा कुछ दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस a बाय साइन x dx। तो यहां x प्लस a x माइनस ऐसा कुछ होने वाला है, तो वहां पे भी आप t के हेल्प ले सकते हैं, या ये अपॉन में हो जाए तब भी आप इसको ऐसा कर सकते हैं, तब भी आप इसकी हेल्प लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं। हमने जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि इंटीग्रेशन करना है आपको साइन 2x बाय साइन 5x डॉट साइन 3x। तो अब यहां पर इस क्वेश्चन के लिए हमें डायरेक्ट थिंक विल है कि 2x को मैं राइट कर दूंगा 5x माइनस 3x, क्योंकि 5 माइनस 3 वैल्यू 2 ही होने वाला है मेरे पास, और अपॉन में एज इट इज मेरे पास टर्म आ रही है साइन 5x डॉट साइन 3x। तो अब आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो हम उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं बाय इजी मेथड से, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। हमने इस फॉर्मूले को यूज किया और अपॉन में मुझे डिवाइड करना दोनों ही टर्म में साइन 5x डॉट साइन 3x। हम देखते हैं दोनों फॉर्मूले में हमें डिवाइड करने के बाद क्या मिल रहा है, साइन 5x कॉस 3x डिवाइड बाय साइन 5x एंड साइन 3x dx माइनस cos 5x sin 3x divided by sin 5x and sin 3x dx। तो हम देख रहे हैं कि एक टर्म तो मेरा कैंसिल हो रहा है, यहां भी एक टर्म कैंसिल हो रहा है, तो मेरे पास जो क्वेश्चन में इंटीग्रेशन रह रहा है वो cos 3x by sin 3x का वैल्यू है, और नेक्स्ट वाले में cos 5x divided by sin 5x रहेगा। अब जो लास्ट क्वेश्चन ये था उसमें cos x cos by sin था, इस क्वेश्चन में हमारे पास cos 3x by 5x by, तो मैं दोनों कांस्टेंट को रिप्लेस कर देता हूं। लाइक एज मैंने आपको बात की थी फर्स्ट लेक्चर में कि आपको पता है जब डेरिवेटिव करते थे हम, तो अब डेरिवेटिव के साथ जब एंगल एज इट इज रहता था, और नेक्स्ट टाइम हम एंगल का डेरिवेटिव करते थे, जैसे सपोज के लिए cos का मैं डेरिवेटिव करूंगा तो cos का sin 3x आएगा, अब जब 3x कर देंगे तो 3 आने वाला है, तो डेरिवेटिव जब अवकलन में मल्टीप्लाई में आता है तो इंटीग्रेशन में वो वैल्यू कांस्टेंट वाली वैल्यू डिवाइड में आने वाली। लाइक एज यहां पे बात कर सकते हैं, तो लेट 3x को मैं t पुट कर देता हूं और 3 एज इट इज रखता हूं, तो dx is equal dt आने वाला है, तो यहां 3 को मैं रिप्लेस कर देंगे dt by 3 राइट कर दूं, तो ये जो क्वेश्चन है मेरा बनने वाला है कुछ इस टाइप का, cos t dt by sin t। तो इस टाइप से बनने वाला है, तो आप इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अभी हमने करके आए, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकता हूं कि जो मल्टीप्लाई में है कौन एंगल में वो डिवाइड में आने वाला है, तो इस टाइप से मैं इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो इंटीग्रेशन ऑफ log sin 3x एंड डॉट 1 बाय 3 माइनस, अब इसके लिए हम जानते हैं log sin 5x डॉट 1 बाय 5 प्लस c, तो आपको ये आंसर मिलने वाला है। अब हम नेक्स्ट के लिए बात करेंगे आपसे, थर्ड नंबर समझो मेरे पास
आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे उसमें आपने अभी तक ये देखा होगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में अगर सब्स्टिट्यूशन का है तो पहले चॉइस हमें ये रखनी है कि सब्स्टिट्यूट हम किसको करें, किसको हम पुट करें। अब जिसको हम पुट करना चाह रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव अवेलेबल होना चाहिए, या हम उसको एडजस्ट कर सकें, उसके टर्म को मैनेज कर सकें, तब हम उसको पुट कर सकते हैं। लाइक जब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे sin x dot cos x dx by a cos square plus b sin square। अब हम इसको, अब सपोज लीजिए प्लस वाले टर्म ऊपर होता तो हम इसको अलग अलग पार्ट सेपरेट कर सकते थे, बट ये अपॉन में टर्म, अपॉन वाले टर्म में प्लस है तो हम इसको सेपरेट तो नहीं कर सकते। सपोज करें आप यहाँ से cos square कॉमन लेना चाह रहे हैं तो यहाँ से तो a plus b sin square by tan square बन जाएगा, तो आप cos square कॉमन लेंगे, a cos से cos कैंसिल भी हो जाएगा, तो अब a cos यहाँ पर 10 बना गया, जबकि आपको रिजल्ट में चाहिए sec square, क्योंकि जब जब आप cos square कॉमन ले रहे हैं दैट मीन आपका जब अपॉन वाले टर्म में 10 बन रहा है तो ऊपर वाली वैल्यू में आपको sec square आंसर में चाहिए चाहिए, क्योंकि 10 का डेरिवेटिव sec square होगा तब आप उसको इजीली पुट कर सकते हैं। अब यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता, तो हम सपोज करते हैं इस टर्म को जो अपॉन वाले टर्म को इसको टी पुट करके देखते हैं कि हमारे पास जो आंसर आना चाहिए, जो डेरिवेटिव आना चाहिए, क्या वो हमारे पास अवेलेबल है या वो अरेंज हो सकता है, मैनेज हो सकता है, तो हम उसको ट्राई करेंगे मैनेज करने के पहले। तो पहले इसको हम पुट करते हैं लाइक इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डॉट कॉस एक्स डी एक्स बाय a cos square x plus b sin square x। तो let a cos square x plus b sin square x is equal to t, then derivative। तो a constant as it is cos square x का, तो पहले power का होगा 2 cos x और cos x का minus sin x plus b as it is पहले power का होगा तो 2 sin x और sin x का हम derivative करें तो cos x होने वाला है is equal dt by dx। तो मेरे पास इस तरह के टर्म आ रहे हैं, बट दोनों में टर्म में हम देखें तो 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, वैसे भी हम देखिए sin x cos x, sin x cos x हमें चाहिए, तो sin x cos x हम इस टर्म के लिए क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो वैल्यू क्या रह रहा है minus 2a plus 2b is that value of dt by dx। तो हमने देखा हमारे पास ये टर्म अरेंज हो रहा है sin x cos x dx is equal to dt by 2 b minus a, तो हमारे पास इस तरह की टर्म अरेंज ऊपर हो रही है, हम इसको मैनेज कर सकते हैं, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि इसको t पुट करें, ऊपर वाला हमारे पास dt बन रहा है, तो इन दोनों वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूं, तो इस जगह वैल्यू की जगह ऊपर वाले वैल्यू की जगह तो dt by 2 b minus a मैंने पुट किया, तो 1 by, अब अपॉन वाले टर्म में उसको हमने t पुट किया तो अब 1 by t, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको आउटसाइड में मैं राइट कर सकता हूं 1 by 2 b minus a इंटीग्रेशन ऑफ dt by t। अब dt by t का इंटीग्रेशन हम भी जानते हैं कि log t होने वाला है, तो आपका इंटीग्रेशन हो चुका है 1 by 2 b minus a log t प्लस सी। तो नेक्स्ट स्टेप में आप टी का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये सारा टी का वैल्यू पुट करने के बाद आपका क्वेश्चन का आंसर फाइनल आंसर आने वाला है। तो लेकिन मैं इसमें अरेंज कर देता हूँ इस वैल्यू को, तो टी की वैल्यू जो आने वाली है ए कॉस स्क्वायर प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो इस टाइप से आपके पास ये फाइनल आंसर आने वाला है। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट आपको ये क्वेश्चन को पहचानना बहुत जरूरी है, आप इसको प्रैक्टिस से ही आप इसको अच्छे से ठीक कर सकते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं बात कर रहा हूं, अब cos क्यूब है यहां, अब इस क्वेश्चन को आप देखें तो cos क्यूब है और वो भी रूट में है, तो हम देखें तो अब इस cos क्यूब का कुछ भी सॉल्यूशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं cos क्यूब को एज इट इज राइट करता हूं। अब यहां है sin x + a, तो मैं इसका फार्मूला यूज करता हूं sin a cos b + cos a sin b। तो आपने यहां देखा कि हमने फार्मूला ओपन कर दिया, अब यहाँ cos क्यूब है, अब आप यहाँ से cos x कॉमन ले लें, यहाँ पिक करें तो cos x यहाँ अवेलेबल है तो इजिली कॉमन आ जाएगा, बट यहाँ cos कॉमन नहीं आ रहा है तो हमने cos का मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो cos कॉमन लेने के बाद यहाँ sin by cos एक tan का टर्म बनने वाला है, एक tan की टर्म बनने वाली है,
डॉट कॉस ए प्लस साइन। तो जैसे ही आपके पास टेन की टर्म बन रही है तो आप इसको टी पुट कर सकते हैं, बिकॉज कॉस ए साइन ए ये दोनों कॉन्स्टेंट वैल्यू, जैसा अभी हमने थोड़ा देर पहले क्वेश्चन किया था जिसमें ए था एक्स और टी में नहीं था, तो वेरिएबल में नहीं था, तो ये कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करने वाले है, तो अभी कॉन्स्टेंट है तो आप इसको टेन वाली टर्म को टी पुट कर सकते हैं। अब टेन वाली टर्म को आप टी पुट करेंगे तो आपके पास सेक्स का अवेलेबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी वैल्यू को पुट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, तो अब कॉस फोर पावर है तो आप रूट से बाहर निकले तो ये टू पावर आने वाली है और जो ऊपर जाके सेक्स का फॉर्म लेने वाली है। तो इस टाइप से हम इसको अरेंज कर सकते हैं क्वेश्चन को, i इक्वल टू dx बाय, अब रूट से बाहर आ चुका है cos square x और रूट के अंदर जो टर्म है मेरे पास tan x डॉट cos a प्लस sin a बनने वाला है, मेरे पास ये टर्म रूट के अंदर रह चुका है। अब ऊपर जाके ये वैल्यू सेक्स स्क्वायर का फॉर्म लेने वाला है। अब आप इस वैल्यू को टी पुट करना चाह रहे हैं तो आपके पास इसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो चुका है, तो आप इस चीज को बिल्कुल पॉइंटेड कर लीजिए, जब भी आपके पास अवेलेबल हो अपॉन वाली टर्म में कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब कॉस पावर, तो आप ट्राई करेंगे इस पावर के, अगर कॉस के साथ साइन भी अवेलेबल है तो आप ट्राई करेंगे वहां कॉस का एक्सेट्रा मल्टीप्लाई करके आप उसको 10 में अरेंज करिए और 10 वाली वैल्यू को डेरिवेटिव पुट करिए और सब्स्टिट्यूट में डायरेक्ट सेक्स के dx dt में पुट हो जाएगा। तो नाउ लेट tan x डॉट cos a प्लस sin a, अब मुझे इसको वैल्यू को पुट करना है तो मैं इसको t भी पुट कर सकता हूं, बट ये रूट में है तो मैंने जैसे लास्ट आपसे क्वेश्चन में बात की था, इसी लेक्चर में बात की था पहले वाले दूसरे क्वेश्चन में कि आप इसको t भी पुट कर सकते हैं t स्क्वायर, लेकिन आप पीस के में पुट करते हैं तो रूट वाली टर्म नहीं आने वाली, एक नेचुरल नंबर वाली पावर आएगी, और आप रूट में पुट कर रहे हैं आप टी पुट कर रहे हैं तो आपके पास हाफ पावर में आने वाला है क्वेश्चन। तो मैं इस चीज से बचने के लिए पीस के पुट कर रहा हूं। अब आप इसका डेरिवेटिव करिए, ये फर्स्ट फंक्शन ही है सेकंड में, बट ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को आउटसाइड में पुट कर रहा हूं, tan का sec square x dx होने वाला है, कांस्टेंट है तो इसका जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू 2t dt / dx, तो मेरे पास जो वैल्यू है sec square x dx और जो वैल्यू बनने वाला है 2t dt। अब dx को मैंने यहां रिप्लेस कर दिया, cos है तो मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहां देखिए मुझे तो इतना ही वैल्यू cos को मैं यहां डिवाइड में करने वाला हूं cos a, तो आपके पास अरेंज हो चुका है sec square dx का जो वैल्यू है 2t dt / cos a आपके पास आ चुका है, तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे I is equal to 2t dt by cos a और इस वैल्यू को आपने t square पुट किया तो 1 by root of t square, तो t square से बाहर t आने वाला है, t से t ये cancel होने वाली टर्म है, तो आपके पास आंसर बनने वाला है dt by cos a, तो ये भी constant है तो आप इसको भी बाहर ऐसे pick कर सकते हैं, तो आपके पास जो आंसर बनने वाला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाय cos a 1 dt। अब आपके पास 1 dt है तो 1 का इंटीग्रेशन टी ऑलवेज टी होता है, तो आपने इसको पिक किया 2 बाय cos a, तो आपके पास इंटीग्रेशन में टी आ चुका है प्लस सी, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, अनिश्चित समाकलन है तो सी तो आपके पास आने ही वाला है। अब आपको फाइनल आंसर के लिए यहां टी की वैल्यू पुट करने के लिए, तो आपने टी किसको अज्यूम किया था cos a 10x dot cos a plus sin x को आपने t square put किया, तो t की value put करने के लिए सारा value root में आने वाला है, तो आपके पास final answer i is equal to 2 by cos a dot root of 10x dot cos a plus sin plus c, तो ये जो आपके पास value है वो आपके पास final answer की value मिलने वाली है। तो इस स्टेप से हमने इस वीडियो में देखा कि सब्स्टिट्यूशन इजी तो है बट कई बार क्वेश्चन में टिपिकल होते हैं, वो छुपे हुए होते हैं, तो हमने उसको अरेंज भी करना पड़ता है, तो इस टाइप से आप सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर के लिए हम इस सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड एक चैप्टर एक लेक्चर हमारे पास और रहेगा जिसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे आपके फ्रेंड्स भी इस लॉकडाउन की कंडीशन में आपके साथ स्टडी कर सके, आपके साथ स्टडी में बिल्कुल पार्टिसिपेट हिस्सा लेकर आपके साथ बिल्कुल आगे रन कर सके।
Thanks a lot and have a nice day.